ये हमारा सिटी यहाँ पे प्लेमेथ ख़त्म होता है और यहाँ कैसे समंदर शुरू हो रहा है। काफ़ी प्यारा सिटी है और यहाँ पे पहाड़ भी काफ़ी हैं, जैसे कि हिल स्टेशन आप किसको कह सकते हैं। कहीं से भी पहाड़ के ऊपर आपको जाना पड़ता है, घर बने हुए हैं, और कहीं पे आपको बिल्कुल नीचे को जाना पड़ता है, जैसे हमारे मैदानी इलाके में पहाड़ होते हैं। तो काफ़ी प्यारा शहर है हमारा, ये जो प्लिमथ सिटी है यहाँ पे। तो अच्छा, बात करने वाले थे हम क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू की। तो मैंने दो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू दिया था, एक यूनिवर्सिटी MTX लंदन में और एक ये प्लिमथ यूनिवर्सिटी की जो यूनिवर्सिटी है। तो दोनों के अंदर मुझे पता था कि मतलब वो आइडिया होता है कि आपसे वो क्या पूछने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन उन्होंने मुझे किए थे उसमें सबसे पहले तो दोनों ने ये पूछा था कि आपका जो स्टडी गैप है, आप क्या करते रहे। नहीं, उन्होंने शुरू इस तरह किया था कि आप इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो उन्हें मैंने बताया था मेरा नाम अबू बकर है, अबू बकर उसामा है, और मैंने BSIT किया हुआ है, और उससे पहले मैंने अपना इंटरमीडिएट भी मैंने अपना जो है वो कंप्यूटर में किया था, ICS किया था, और उससे पहले फिर मैंने मैट्रिक किया था। और उन्होंने फिर उन्होंने पूछा कि ये आपका इंटरमीडिएट जो बैचलर्स था ये 2018 में कंप्लीट हो गया था, उसके बाद आपने क्या किया। फिर मैंने उन्हें बताया कि मैंने कहा जो जॉब करता रहा हूँ मैं, दो प्राइवेट कंपनीज जो थी उनका मैंने उनको बताया, कॉलेज का और कंपनी का। तो उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि आपने एकदम क्यों स्टडी जो है वो छोड़ के तो जॉब करना शुरू करना आपने स्टडी छो जॉब छोड़ के स्टडी करना शुरू करने का सोचा। तो फिर मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा कि क्योंकि जिन कंपनीज़ के लिए मैं काम करता हूँ, जो पाकिस्तान की अच्छी कंपनीज़ हैं, उनको मास्टर्स चाहिए होती है अच्छी डेजिग्नेशन के लिए। तो फिर जब मैंने सोचा कि अगर मैंने मास्टर्स तो करना ही है तो फिर क्यों ना मैं किसी अच्छे कंट्री से करूँ जिसका वर्ल्ड वाइड स्कोप हो। तो फिर उन्होंने पूछा, अच्छा फिर आपने UK क्यों सेलेक्ट किया। ये भी एक क्वेश्चन हर दफ़ा वो ज़रूर पूछते हैं। तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा यहाँ पे 1 साल का मास्टर्स होता है, बाकी दूसरी दुनिया में सारा ऑलमोस्ट दो दो साल का मास्टर्स होता है, तो ये बड़ा प्लस पॉइंट था, इसलिए मैंने UK को सेलेक्ट किया। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा, अच्छा और भी एक दो चीज़ें इसके अंदर, जैसे कि डाइवर्सिटी काफ़ी है यहाँ पे, देसी लोग काफ़ी हैं, तो ऐसा लगता है जैसे आप अपने मुल्क में ही हो, तो ये चीज़ें बड़ा सपोर्ट करेंगे मुझे इस वजह से। और फिर आप वो पूछते हैं आपने ये यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी क्यों सेलेक्ट की। फिर आपने उनको बताना होता है आपको उसके लिए रैंकिंग देखनी पड़ेगी यूनिवर्सिटी की, आपको दो तीन यूनिवर्सिटीज़ को ढूंढना पड़ेगा जिनमें आपने उन कोर्सेज जिसमें अप्लाई की है वो देखना पड़ेगा आपको कि उस कोर्स की फ़ीस उस यूनिवर्सिटी में कितनी है और उसमें कितनी है। और एक ये भी है जो होता है कि आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस उससे कम होती है तो आप उनके बताते हो, क्योंकि हमने सारा सेल्फ पेयर हूँ मैं, मैंने ख़ुद फ़ीस देनी है या मेरे पेरेंट्स ने फ़ीस देनी है, तो फिर इसकी फ़ीस भी इकनॉमिकल है और इसकी रैंकिंग भी अच्छी है, QS रैंकिंग भी अच्छी है, UK में भी रैंकिंग अच्छी है, तो इस वजह से मैंने इस यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट किया। इस तरह के 2 से 3 पॉइंट्स होते हैं जो वो पूछते हैं। तो उसके बाद वो फिर ये पूछते हैं कि आपके पास कितने फंड्स हैं। तो उसके अंदर ये होता है कि जो लंदन वाली साइड है उसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि आपने जो 1 साल रुकना है उसके लिए आपको कितने फंड्स की ज़रूरत होती है, या 1 महीना जो आपने आप में मंथली आपको कितने फंड्स चाहिए, या आपको ईयरली कितने फ़ंड्स चाहिए, तो वो आपको देखना पड़ेगा एक दफ़ा ना वहाँ से UKVI की वेबसाइट से कि आजकल के फ़ंड्स क्या है, क्योंकि वो चेंज इन्फ्लेशन का थोड़ा सा अंदर मसला बना था तो उसकी वजह से शायद थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ हो, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो उसके बाद वो फिर पूछ जो उस वक्त था मेरा तो ऑलमोस्ट कोई 23,000 pounds बन रहा था, जो कि मेरा फ़ीस रिमेनिंग फ़ीस जितनी मैंने दी थी उसके अलावा जितनी मेरी टोटल ट्यूशन फ़ीस थी वो रहती थी, वो वाली शो करनी थी और साथ एक पूरा खर्चा मैंने शो करना था सॉरी अपने पूरे साल का खर्चा शो करना था। तो वो मेरी तकरीबन को बन रही थी 11-12 हज़ार pound समथिंग, 11,000 या इस तरह कुछ बन रहा था पूरे साल का। तो वो मिला के मेरा तकरीबन कोई 23,000 pound बन रहा था, और मैंने उन्हें 28,000 pound ना अपने अकाउंट में शो किया था जो मेरे अकाउंट का बैलेंस था।
तो इस तरह होता है, वो आपसे फंड्स का पूछते हैं, और हो सकता है वो ये भी पूछें कि आपने ये फंड्स कहाँ से अरेंज किए, ये भी वो पूछ सकते हैं, मुझे वैसे उन्होंने नहीं था पूछा। तो उसके बाद क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के अंदर वो ये पूछते हैं कि जो आप कोर्स पढ़ने जा रहे हैं, ये आपने स्पेसिफिकली ये क्यों सिलेक्ट किया, तो आपको कोर्स के बारे में बताना होता है। उसके बाद फिर वो ये भी आपसे पूछते हैं कि इस कोर्स के अंदर से करने के बाद कौन कौन सी लाइंस निकलती हैं जहाँ में आप जॉब कर सकते हो। फिर उनके बाद वो ये भी पूछ सकते हैं कि आपके कंट्री के अंदर कौन कौन सी अच्छी कंपनीज़ हैं जो इस कोर्स के ऊपर आपको जॉब दे सकती हैं। तो ये वाले सारे क्वेश्चंस वो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में आपसे पूछेंगे। और उसके अलावा वो एक और चीज़ पूछ सकते हैं कि आपका कितनी देर का प्लान है इधर इधर यूके में रुकने का। तो वो आप उनको बताएं कि आप यहाँ पे सिर्फ स्टडी के लिए आ रहे हैं, तो जो ही आपकी स्टडी ख़त्म होगी आपने वापस जाना है अपने कंट्री में, और आपने जो उनसे भी कोई कंपनी सेलेक्ट की हुई है जहाँ पे आपने जॉब करनी है, उसका नाम बताएं, जी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पे आके जॉब करूँगा वापस अपनी कंट्री के अंदर। तो इस तरह से क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होता है। तो मैंने 2 दफ़ा क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू दिया 2 यूनिवर्सिटीज़ के लिए, और दोनों दफ़ा फर्स्ट अटैम्प में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा क्लियर हुआ था अपना क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू। तो जो भी क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको बेस्ट ऑफ लक। आगे जनवरी इनटेक आ रही है, तो आई गेस क्रेडिबिलिटी इंटरव्यूज़ उसके लिए स्टार्ट हो गए होंगे, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। और यूनिवर्सिटी ज़रूर आपको ये अपनी देख के आइएगा, और ये भी देखिएगा कि उस एरिया में अपने स्टूडेंट्स कितने हैं, क्या हिसाब किताब है, और उस एरिया के अंदर एक्सपेंसेस कितने हैं, जो अकोमोडेशन का एक्सपेंस है वो हर सिटी के लिहाज से डिफरेंट होता है। सो बेस्ट ऑफ लक, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।